नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में नगरवासियों के सहयोग से नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व की पूर्णाहुति पर शनिवार को मंदिर परिसर में कन्या भोज के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने परिवार सहित और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रसादी ग्रहण की। वहीं विशाल भंडारे में संत श्री हरिओम बाबा नन्नेश्वर त्यागी संत सीताराम एवं क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने भी प्रसादी ग्रहण की। नवरात्रि व भंडारा समिति अध्यक्ष धीरज मिश्रा व मंदिर समिति अध्यक्ष जीवन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शनिवार को विजयादशमी पर्व पर नगरवासियों के सहयोग से देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सेगांव सहित आसपास व दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माताजी की पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस महापर्व को लेकर पिछले एक पखवाड़े से समिति व नगरवासियों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं समस्त क्षेत्रवासियों ने विशाल भंडारे में पधारकर प्रसादी ग्रहण की। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अरे राम गणपति हवा महे प्रिया प्रियपति हवा महे निधिपति हवा महे भटो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये लालबाई फूलबाई माता जी का भंडारा जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफी लोगों ने यहाँ पर भोजन प्रसादी किए। यहाँ पर हमारे मानपुर से गुरु जी आकर जो है 9 दिन तक जो पूजा पाठ होती है, उसके बाद उसके समापन पर यह यहाँ पर भंडारा दिया, दशहरे के रोज भंडारा दिया जाता है। और इस भंडारे में जो भी दानदाताओं ने, हमारे गांव के सभी धार्मिक बंधुओं ने, सभी समाजजनों ने, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किया है, उन सभी का मैं भंडारी समिति का अध्यक्ष धीरज मिश्रा सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और माता जी उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाए और सभी इस गांव में खुश रहे, आसपास के क्षेत्र में सभी खुश रहे, किसान खुश रहे, व्यापारी खुश रहे, सारे जितने भी माता जी के भक्त हैं सभी खुश रहे। ये बस मेरी माता जी से यही आशा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।